रब का शुक्र है कि गाड़ी रोक दी इन्होंने। अरे कहाँ जा रहे हाँ? अगर तू मारना पकड़ जा। नीति नीति मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। ये राकेश ने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। नीति प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हारा जो सच है मैं बाजा खाना के सामने नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। नीति नीति प्लीज हेल्प मी। बेबे क्या चाहिए? मैंने कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मैंने इतना दस दो। आपने थोड़ी देर पहले ये क्यों बोला कि नीति आपको देखते ही भाग गई? क्योंकि जो मैं जानती हूँ ना वो सबको पता है, लेकिन सबको लगता है कि वो गलत है। वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को गलत समझ रहे हैं। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो तुसी? देख गुरिंदर, गलत को सही समझने से गलत सही तो नहीं बन जाता ना। खैर मैनू की, मैं तो सही हूं ना। हाय रब्बा, बेबे कोई नशा कर लिया है क्या? सही गलत, गलत सही, जो भी कहना है ना साफ साफ कहो। समझाओ मैनू क्या कहना चाह रहे हो। गुरिंदर तेरी ये आदत ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अरे काम की बातें जल्दी समझ में ही नहीं आती हैं, बेकाम की बातें सब समझ में आती हैं। तो समझाओ ना। हाँ समझ ले अच्छे से। देख मम्मी को ये लग रहा था ना कि नीति यादाश्त जाने का नाटक कर रही है। हाँ वो सही थी, लेकिन मम्मी को यकीन हो गया कि नीति की यादाश्त सचमुच चली गई है। तो अब मम्मी गलत सोच रही है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि नीति की यादाश्त? हाँ अब सही समझी, अब सही समझी है तू। अरे गुरिंदर तेरे को पता नहीं है मम्मी और तूने किस आफत को अपने घर में रख लिया है। वो डाइन होती है ना, वो भी सात घर छोड़कर वार करती है, पर ये नीति, हे भगवान, मेरे को लगता है डाइन से भी ज्यादा कोई बड़ी शैतानी ताकत का इसके ऊपर साया है। हाँ नीति, परी, परी संभाल के। ठीक
फूल। नीति ठीक है, कोई बात नहीं, है ही कहीं होगा, कोई ढूंढ लेगा। तेरा डांस करने का मन था ना, चल करते हैं। देख, शैली के गले में बाहें सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए डाल रही है। थोड़ी देर बाद ये जाएगी और संजू और परी को भी बुलाएगी अपने साथ डांस करने के लिए। देख दीजा, देख मौका मिलते ही ना संजू के साथ जाएगी डांस करने के लिए। दीदी ये आपका फोन। थैंक यू मामा। नीति यार जल्दी चलना, पंडित जी भी आ गए और सगाई की रस्म भी शुरू करनी है। चल चल। ए, कहाँ छुपा है बे? देख यही कहीं छुपा होगा, ढूंढ। ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ का फोन। दलजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये तो दलजीत के फोन की आवाज है। वैसे तो 10 बार फोन करके परेशान करेगा, अब मैं फोन कर रही हूँ तो खोते नो फुर्सत ही नहीं है मेरा फोन उठाने का। दलजीत के माँ का फोन। एक मिनट, बॉस को फोन लगा था। कल की है, सब ठीक तो है ना? राकेश भैया, दलजीत की माँ दलजीत को कॉल कर रही है। ठीक है भैया। ए, चल, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उधर ही दबोच देते हैं। वो क्यों है मम्मी, चलना नहीं है? दलजीत नू फोन लगा रही हो जी, फोन उठा नहीं रहा है। दलजीत को? हाँ, उसे सगाई में बुलाना है ना, पर फोन नहीं उठा रहा है। देखती हूँ खुद कॉल करता है कि नहीं। लेकिन इस तरह अचानक है? अचानक से कुछ भी नहीं है जी। जब वो गलती करता है उसे डांटने का, उसे सजा देने का अगर मेरा अधिकार है, तो जब वो कुछ सही करता है तो उसे प्यार देना, ममता देना भी मेरा फर्ज है। समझ रहा हूँ मैं। और जब से उसने नीति के किडनैपिंग के बारे में हमें बताया है, उसके बाद से दलजीत पर तेरा विश्वास बढ़ गया है ना? हाँ जी, वैसे भी वो कह रहा था कि सब में उसका कोई हाथ नहीं है, और उसे ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से हम उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ला, एक बारी होड़ लगा के देख, लगता कि नहीं। अभी तो उसका नंबर ही नहीं लग रहा। वो कोई गल नहीं, वो बाद में कर लेना। चलते हैं, उस सगाई की रस्म का टाइम हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल चल।
देख मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर वीर जी भाभी तो कुछ बोल भी नहीं रही। नहीं बोल रही ना, आप बोलेगी। क्या कहूंगी मैं? यही कि जिस तरह नीति और संजू डांस कर रहे थे वो बहुत ऑड था। ऑफ कोर्स था।